सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनिल चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस एचएससी एसएससी के एग्जाम की तैयारी करें हैं तो इस वीडियो से, अगर भारतीय प्रमुख जिलों से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपने बुक में भी जरूर पढ़ी होंगी भारतीय प्रमुख जिले, लेकिन मैं आपको ट्रिक के जरिए बिल्कुल आसानी से भारतीय प्रमुख जिले करवाऊंगा। और पिछली वीडियो हमने हरियाणा जीके की प्रमुख जिलों की डाली है, उसको भी देखिए, क्योंकि एचएससी की जो आगामी परीक्षाएं होंगी वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम आपके लिए जो एचएससी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और दोस्तों, अब मैं आपके लिए ओनली एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को देखते हुए भारतीय प्रमुख जिले लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर भारतीय प्रमुख जिलों से क्वेश्चन आया तो हमारे वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो आपके लिए भारतीय प्रमुख जिले लेके आया हूँ, वैसे किताब में मिल जाएंगे, किताब में आपको बोर लगेगा, लंबे समय तक याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक के जरिए याद करवाऊंगा, आपको ओनली वीडियो स्किप नहीं करना है। दोस्तों, देखते हुए हम क्या याद करें हैं, भारत की प्रमुख जिले, यानी जो भारत की प्रमुख जिले हैं। वैसे मैं बता दूं कि भारत की सबसे ज्यादा जिले कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वहां पर अनेक जिले हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन आपको जो और ऑप्शन मिलते हैं, कहीं पे हिमाचल प्रदेश मिलता है, कहीं पे आंध्र प्रदेश मिलता है, आपसे मिस्टेक हो जाती है और आपका नंबर कट जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फनी ट्रिक के जरिए, बिल्कुल आप वीडियो की मत करना, मैं याद करवा दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे जिले है सात ताल झील। सात ताल झील कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये आपको किताब में भी मिली होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करनी है। सात ताल, ताल सोदाया ना, ताल क्या होता है, लय। एक गाने में लय बनती है, सुर से ताल मिला दे, आपने गाने भी सुने होंगे, लेकिन जब सुर से ताल मिलेगी तो कॉम्बिनेशन बनेगा, लय बनेगी ना, तो वो एक मजा आएगा। लेकिन उस लय में अगर खंड बन जाए, भाग बन जाए, टुकड़े बन जाए, वो ताल नहीं रहेगी। तो आपने कैसे याद करना है, सात ताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में। खंड आ गया ना पीछे, खंड उत्तराखंड, क्योंकि भाग बन गया तो ताल कहाँ की रहेगी, इसलिए ताल होगी तो उसमें खंड नहीं बनेगा, भाग नहीं बनेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट है नैनीताल। नैनीताल झील भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिसके पीछे ताल आता है ना, वो सभी जिले कहाँ पे हैं, उत्तराखंड के अंदर। ये प्रमुख जिले कई बार आपको प्रवेश एग्जाम में देखी भी होगी कि जो नैनीताल जिला है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। ये भी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि अगर ताल का कॉम्बिनेशन टूट जाए तो वो क्या है, खंड बन जाएगा, भाग बन जाएगा, वो ताल नहीं रहेगी। तो जब वो खंड बन जाता, भाग बन जाता है, तो वो ताल नहीं रहती। तो ये जहां पर भी ताल आता है, नैनीताल कहां पे बनता है, उत्तराखंड। तो नैनीताल झील कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट रात ताल झील। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे जो दिल्ली पुलिस और एसएससी एग्जाम होने वाले हैं उनको देखते हुए। रात ताल झील कहां पे है, रात ताल झील भी उत्तराखंड में। मैंने क्या बोला, ताल सब आ जाए ना जहां पे, वो जिले कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आता है माला ताल। ताल कहीं भी मिले आपको एग्जाम में, वैसे याद ना रहे ये जिलों के नाम, लेकिन आपको पीछे झील के ताल मिल जाए तो आपको किस ऑप्शन को टिक करना है, आपको ऑप्शन में उत्तराखंड जरूर मिलेगा, तो उत्तराखंड को आप टिक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो माला ताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट झील आती है खुरपा ताल झील। खुरपा ताल झील कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड के अंदर। मैं कैसे याद करवा रहा हूँ, जो लय होती है ना गाने में, आप गाने सुनते हो सुर से ताल मिला दे, आपने कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ अगर वो ताल का कॉम्बिनेशन टूट जाए, उसके भाग हो जाए, खंड हो जाए, खंड शब्द आया ना पीछे उत्तराखंड के, तो ये शब्द आप याद कर लेना, ये इससे याद हो जाएगा। तो खुरपा ताल, खुरपा ताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ज्यादातर तो क्वेश्चन नैनीताल ही पूछा गया है कि नैनीताल झील कहाँ पे है, नैनीताल झील भी उत्तराखंड के अंदर है। फिर आता है देवताल झील। देवताल झील कहाँ पे है, देवताल झील भी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है। ये ताल वाले क्वेश्चन हैं जो भारतीय प्रमुख जिले हैं वो सभी उत्तराखंड के अंदर हैं। तो नेक्स्ट आता है नौकुचिया ताल। जो दिल्ली पुलिस के आगामी परीक्षा होंगी, आपको अगर जो जिलों से संबंधित क्वेश्चन आया तो हमारी वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, श्योर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल कहाँ पे है,
उत्तराखंड के अंदर। मैंने क्या बोला, अगर ताल का जो कॉम्बिनेशन है वो टूट जाए तो ताल नहीं रहती, वो खंड बन जाए, वो भाग टूट जाए तो क्या होगा, वो ताल नहीं रहेगी। और वो क्या कहां बनेगी, उत्तराखंड के अंदर। तो नोकुचिया ताल कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आता है डल झील। डल झील ये काफी बार एग्जाम में, प्रवेश एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो नैनीताल पूछा गया ज्यादातर, और एक डल झील। ये तो ऑल इज गोल्ड क्वेश्चन है, ये तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। लेकिन यहीं से अगर ज्यादातर जिले जैसे कि उत्तराखंड की हमने की है, वो भी आगे एग्जाम में आ सकता है। उसी की एग्जाम को देखते हुए मैंने देखा कि मैंने ट्रिक बनाई है, और ट्रिक के जरिए अगर आप इनको याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। वैसे ये बुक में मिल जाएंगी, बुक में याद करने से आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। नोकुचिया ताल में की तो डल झील पे हम पहुंच चुके हैं। डल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये तो प्रवेश एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको भी याद करने का एक आसान सा तरीका है। डल को समझो हल। डल को क्या समझो, हल। जो ये मसला था 370 वाला, जो कई सालों से चला हुआ मामला था 370 धारा, ये टूट नहीं रही थी, यानी जो ये धारा लगी हुई थी ये टूटी नहीं थी। ये कौन से स्टेट में लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर में। तो डल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर नेक्स्ट आता उल्लर झील। उल्लर झील कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर। लर यानी लर से क्या बना, लड़ाई। इसको क्या मानोगे आप थोड़ी देर के लिए, लड़ाई। तो लड़ाई कहां पर 370 पे सबसे ज्यादा लड़ाई कौन से स्टेट में चली थी, यानी सबसे ज्यादा मसला कौन से स्टेट का था, ये जम्मू कश्मीर का। उल्लर झील कहां पे है, उल्लर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर नेक्स्ट आता है बेरीनाग झील। बेरीनाग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे नैनीताल और डल झील, उल्लर झील, ये भी ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाए, कम से कम ये हमने 18-19 जो प्रमुख जिले उठाए हैं। अगर आपको भारतीय प्रमुख जिलों से क्वेश्चन मिलता ना, तो हमारे वीडियो से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप शेयर करेंगे ना, तो आपको भारतीय प्रमुख जिले आसानी से आपको तो याद ही होंगी, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो उल्लर झील हमने की, बेरीनाग पे हम पहुंच चुके हैं। आपको याद भी रहेगी, जो कई बच्चे हैं याद कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को याद नहीं रहती। इसलिए ट्रिक के जरिए अगर आप याद करेंगे, तो ट्रिक के जरिए आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो बेरीनाग पे हम पहुंच चुके हैं। बेरीनाग झील कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। नाग आया ना, जहां नाग से बताया पीछे, नाग वर्ष क्या है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है जी। इसको कैसे याद करोगे, जो नाग है ना, सबसे ज्यादा नाग किसको बोलते हैं, सांप को बोलते हैं। और नाग सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, ये जम्मू का सबसे जो सबसे आगे वर्ड है, ये क्या है, जय। और जय से क्या बनता है, जंगल, यानी जंगल में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। तो बेरीनाग झील कहां पे मिलेगी आपको, जम्मू कश्मीर में। जैसे बना जम्मू कश्मीर, और सबसे ज्यादा नाग कहां पे पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। आप ये कॉम्बिनेशन, ये वीडियो में जो हम बोल रहे हैं, इसको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है मानस बल झील। मानस बल झील भी प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट झील है। इसको भी आप याद तो कर लेंगे, लेकिन मैं जो ट्रिक के जरिए याद करवा रहा हूँ वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो मानस बल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जो मानस बल, बल बल शब्द है ना, बल बल यानी जोर। जो 370 का मामला है उस पर पूरा जोर लगा, कांग्रेस सरकार की वो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि ये मुद्दा लटका है, लेकिन बीजेपी वालों पे कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है, लेकिन ये मुद्दा काफी समय तक चलता रहा, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को हल कर दिया है। और ये जो 5 अगस्त गई है, 5 तारीख थी जो, इसको 370 खत्म हुए 1 साल हो गए हैं, और 1 साल हुए हैं इसको, इस मुद्दे को हल हुए। तो यानी इस मुद्दे को सबसे ज्यादा जो बल लगा था इस मुद्दे पर, ये कौन से स्टेट में लगा था, ये जेके में लगा था, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर लगा था। ये जम्मू कश्मीर में मानस बल झील सबसे ज्यादा झीले हैं, जो मैं कहां कहां पर याद करवाए हैं, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, और यहीं से बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, अगर भारतीय प्रमुख जिलों से क्वेश्चन आए तो। तो नेक्स्ट आता है नागिन झील। मैंने जो एक तो बेरीनाग झील आपको याद करवाया, और एक याद करवा रहा हूँ नागिन झील। नागिन झील
या बेरनाग, नागिन हो या नाग, ये सभी कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। इनको आप आसानी से याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शेषनाग, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये भी मैंने वर्ड बोला नाग, अगर आपको पीछे से नाग मिले तो ये भी कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसको भी आप आसानी से याद कर लेंगे। फिर आता है अनंतनाग, अनंतनाग कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि क्या आ गया? नाग, नाग मैंने बोला कहां पे है सबसे ज्यादा जंगल, कहां पे है? जम्मू कश्मीर, यानी जंगल वर्ड आया ना, इसलिए मैंने कम्बिनेशन बनाया आपको आसानी से याद करवाने का। नाग बोला था, नाग सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं? जम्मू कश्मीर। वैसे याद करना मिलते नहीं है, लेकिन मैं याद करवा रहा हूँ आपको कि आपको आसानी से भारतीय प्रमुख जिले याद हो जाए, यानी अनंतनाग जिले कहां पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अनंतनाग जिले और जो उन्ना जिले और डल जिले, ये तो जम्मू कश्मीर की बार बार प्रवेश एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी जिले हैं। नेक्स्ट आता है राजसमंद जिल, राजसमंद जिल भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, अगर भारत के प्रमुख जिलों से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आता, बुक से क्वेश्चन आते हैं, और बुक से आप क्वेश्चन याद कर भी लेते हैं, लेकिन वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको ट्रिक के जरिए क्वेश्चन याद करवाते हैं, और आसानी से क्वेश्चन को याद करने का तरीका बताते हैं, लेकिन आपको वीडियो देखने का यही फायदा है कि आप बार बार वीडियो देखें, और वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भारतीय जो प्रमुख जिले याद करें आपको आसानी से याद होंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है राजसमंद, हम याद करें राजसमंद, राज किसका है? राजा का, तो ये राज वर्ड आया है, तो ये राज वर्ड आया तो ये कहां पे चलेगा? राजस्थान में, यानी राजस्थान में। राज किसका है? राजा का, यानी राजस्थान में। राजसमंद जिल कहां पे है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है पिछोला जिल, पिछोला जिल भी मोस्ट इंपोर्टेंट जिल है, लेकिन ये मैंने बोला कई जिले तो प्रवेश एग्जाम में आई हुई है, लेकिन जो जो नई जिले हैं वो आपको आगे आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकती है। मैंने जो ये वीडियो बनाई है भारत की प्रमुख जिलों की, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम को देखते हुए बनाई है। वैसे तो मैं हरियाणा की जो प्रमुख जिले हैं वह करवा रहा था, लेकिन हरियाणा कोई भी एग्जाम दिख रहा है 2020 तो नहीं होगा, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे दोस्तों, आप अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो पक्के होने हैं, तो अब आपके पास समय है, आप अपनी अच्छी से तैयारी करना। और हम आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाते हैं, हम कोशिश करें कि आपके लिए जो जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके, उन सभी के टीचरों की व्यवस्था कर दें, और करने लग रहे हैं दोस्तों, आपको जल्दी से नए टीचर देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पिछोला जिल, पिछोला जिल भी मोस्ट इंपोर्टेंट जिल है, ये जिल कहाँ पे है? राजस्थान में। इसको कैसे याद करेंगे? राज, राज से बना राजा, जो महान राजा होता ना वो कभी भी, इसको मान के चलो पीछे, वो कभी भी पीछे नहीं अटता, जो फैसला ले लिया ना उसने, फैसला ले लिया उसका फैसला अटल है, उसने जो कह दिया वो करके दिखाता है, जो महान राजा होता है। पिछोला जिल कहां पे होगी? राजस्थान के अंदर। फिर आता है जैसमंद जिल, जैसमंद जिल भी मोस्ट इंपोर्टेंट जिल है, जय किसी महान राजा की जय होती है, मानते हो? जय, जय किसकी होती है? महान राजा की। तो राजसमंद आया, ये भी राजस्थान में, जयसमंद, पिछोला, राजसमंद, ये सभी जिले कहां पे हैं? राजस्थान में। एक नेक्स्ट जिला भी है फतेह सागर, फतेह सागर जिले को कैसे याद करेंगे? एक महान राजा फतेह हासिल कर लेता है अपने युद्ध में, आसानी से जीत जाता है, कोई मुश्किल युद्ध होता है, कोई और कठोर राजा उसके सामने आ जाता है, उसको भी हरा देता है, वो अपने क्या है, फतेह हासिल कर लेता है। तो एक महान राजा फतेह हासिल करेगा तो ये राजगढ़ आया ना, तो इसको आप आसानी से याद कर लो, फतेह सागर जिल कहां पे है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है लूनर सर जिल, क्या है? लूनर लूनकर नसर जिल, सॉरी लूनकर नसर जिल, इसको ऐसे याद करेंगे, लू, लू वर्ड आया ना, लू वर्ड को कैसे याद करना? लू वर्ड को आपको याद करना, सबसे ज्यादा लू है ना, जो सबसे ज्यादा गर्मी, वो कहां पे है? राजस्थान में। आपको मानते हो राजस्थान सबसे गर्म स्थान है, जो सबसे गर्म स्थान राजस्थान का कौन सा है आपको कमेंट में बताना है, और सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा है वो भी आपने कमेंट में इसका जवाब देना है। तो लूनकर नसर जिल कहां पे है? ये राजस्थान के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है, और उस स्थान का नाम आपने कमेंट में बताना है। तो दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय प्रमुख जिले किए, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा,
और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।